अमूमन खाना आप खुद पकाती हैं या फिर रेम्बो साहब? मैं बनाती हूँ, कुक हो तो वो बना देता है, लेकिन जब कभी छुट्टी हो, काम पे ना जाना हो, तो रेम्बो साहब कभी कोई कढ़ाई, कभी कोई कुन्ना, कभी कोई पाए, गोभी गोश्त क्योंकि फेसबुक पे हमेशा वो पिक्चर्स अपलोड होती है जिसमें वो जो खाने की बातें सुनने को मिल रही होती है, उसमें तारीफें बहुत ज्यादा होती हैं रेम्बो की। शोरबे वाली मच्छी सर्दियों में खगे करके उंगलियां जुड़ दिया ने। और क्या क्या अच्छा पका लेते? मैं कुछ भी बना लेता हूँ, मैंने कभी जिंदगी में नहीं बनाया, हर चीज पहली पहली दफा बनाई है, सही बना लेता। वैसे मुझे तो पागल भी बहुत अच्छा बना लेते हैं। अच्छा रेशम, मीरा जी, ठीक है, उसके अलावा सऊद और जवेरिया, मोमी, ये सब आपके गहरे दोस्त हैं, और आपके रीमा जी साथी, आप लोगों के ये सारे फ्रेंड्स भी हैं। हाथी मेरे साथी फिल्म भी थी जी, सारे आप लोगों ने साथ काम किया। तो आपकी शादी कराने में किसने बहुत अच्छा सपोर्टिंग किरदार अदा किया और आपकी? वैसे तो मेरी शादी कराने में पूरा पाकिस्तान मेरे साथ था, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक। और एक दफ़ा शादी के बाद मेरी एक शूटिंग थी और ये मेरे साथ थी, शान की कोई फिल्म थी, ये काम नहीं कर रही थी, हम नारान कागान गए हुए थे, वहाँ एक कपल मिला हमें, उन्होंने कहा हम अमेरिका में आपकी शादी हमने सेलिब्रेट की है? मैंने कहा जी आपने अमेरिका में कैसे? कहते हैं हमने वहाँ बकायदा आपकी रस्में मेहंदी या वो रख के आपस में दोस्तों ने खुशी मनाई थी, ढोलकी रख के खाना खाया था सब। क्या बात है, बच्चा बच्चा हमारे लिए दुआ करता था कि इनकी शादी हो जाए। और वैसे स्टूडियो में भी सारे डायरेक्टर, सारे प्रोड्यूसर, बाजी संगीता का बहुत बड़ा हाथ था। एक मज़ेदार बात बताऊं, एक फिल्म हम कर रहे थे, मैडम संगीता डायरेक्टर थी, हम हीरो हीरोइन थे, तो मैं टैक्सी ड्राइवर हूं और ये मेरी गाड़ी में टैक्सी में बैठती हैं, तो मैडम साथ साथ थी, उन दोनों सख्ती बड़ी थी, वो मान नहीं रही थी। तो मैंने मैडम से कहा मैडम मैंने ज़रूरी बात कर दी है, तो मैडम तो बात ही नहीं होने दे रही। ये बैठी हुई हैं, शॉट रेडी हुआ, ये चुप करके इधर आ गई, मैं चुप करके उधर चला गया। मैडम ने कहा अच्छा, मैडम कहा भट्ट साहब कैमरा टैंकी पर रखो, तो रैम्बो तुमने ये करना है, गाड़ी रिवर्स करनी है, गिराज से निकालनी है, तो ये इस रोड से जाओगे और वो ऊपर वाला रोड ना क्रॉस करके आना, 15 मिनट का टाइम दे दिया उन्होंने। और कैमरा ऊपर है, तो मैडम ने कहा कि ये, और कैमरा चल नहीं रहा था। वो मुझे कह रहे कैमरा नहीं चलेगा, तुम गप्पे शप्पे मार के आ जाओ। मैडम निशो को ये ना पता चले कि ये क्या मुझे, क्योंकि उन्हें तो पता था वो भी हीरोइन थी, तो कैमरा ऐसी जगह रखवा दिया कि जहाँ से टॉप एंगल बन रहा है, ये टैक्सी का शॉट है, तो क्लोज में बाद में ले लूँगी, चलो दिशो इधर आओ हम बातें करते हैं। तो बाजी संगीता ने बहुत हेल्प की, सब ने की, और दोस्तों में सऊद, मोमी, इन सारे ही हैं, लेकिन शान इसकी तरफ से आया था, सऊद भी इसकी तरफ से आया था। अच्छा, हाँ हाँ, वो मेरी तरफ से नहीं थे, वो कह रहे थे भाई हम साहिबा की तरफ से आए हैं, हम अपनी बहन को रुख्सत कर रहे हैं, ये दोनों ने कहा था। हाँ। और मेरी हेल्प जो है ना वो रीमा ने बहुत, ये तो इनके प्रोफेशन के जो साथी थे उनकी है ना, बाकी पब्लिकली भी बहुत लोग हमारे साथ, औरतां घरां दे विच मावां भैणां साडियां हाय नहीं किधर यार अंबो दा ब्याह इस कुड़ी नाल हो जावे, सोनी है पर अल्लाह नसीब करे, मुंडा माशाल्लाह वैपर भी मार लैंदा, बाथरूम भी धो लैंदा, होर की चाहिदा है ना, और की चाहिदा निशो नूं, निशो के साथ। हाँ हाँ यही कहते थे मुझे, मिल के कहते थे तेरी सास ठीक नहीं है। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि आज अगर मेरे सर पे मेरी जाती छत है ना, तो मैं पहले शायद बात कर चुका हूँ, वो मैडम निशो की वजह से। बहुत खूब, बहुत खूब। मैडम ने तो ये शर्तें रखी थी ना रेम्बो से, आपको कहा था घर बनाओ, गाड़ी लो, चाचा तो अजीब अजीब फटीका पांदा है, मसलन कहता है कि मैंने जिंगर बर्गर ना दिता तो मैं रिश्ता तोड़ देवगा, मैंने पकौड़िया से चटनी ना पा के दी तो मैं रिश्ता तोड़ देवगा। ये तो यहो जहा साल तरी नहीं सी पई, ये कहता मैं रिश्ता लेना ही नहीं। फिर कुड़ी ब्याहती तुसी? अच्छा हमने काफी काम किया है स्टेज पे इकट्ठे, आपने एक शेर इजाद किया था बकायदा जो कि फिर हर ड्रामे में मुझ पे कहते थे, वो जो मैं नशे ही करना करेक्टर कर रहा था। हाँ। मैं आँख तेरी विच चैन कोई नहीं, दिल तेरे विच रहम कोई नहीं, और रैम्बो बुलावे ते भज भज जावे असी बुलाइए ते टाइम कोई। अच्छा ये बताइए आप दोनों के मिजाज में बड़ा फर्क है, आपको कैसे पता? बहुत सीधी सादी, कम वो बहुत सॉफ्ट बोलती हैं, और ये माशाल्लाह इनको तो बस लगता है कि कहीं से लीड ली हुई है, कोई करंट लगवा लिया अपने आप को।
कहते ना मिजाज में फ़र्क है, फिर भी केमिस्ट्री ऐसी है कि मतलब समझ नहीं आता, इतनी बाउंडिंग है, तो उसका कोई ख़ास राज है तो शेयर कीजिए ना। नहीं, अगर दोनों एक जैसे होते तो फिर बहुत लड़ाई होती ना, एक ज़रा ज़्यादा है हाइपर और मैं थोड़ी सॉफ्ट हूँ, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो मोस्टली गुस्सा इनको आता है, आप धीमा करती हैं। इसे साल में एक दफ़ा आता है मुझे फिर इनको मनाना मुश्किल है, एक दफ़ा मैं काफ़ी दिन बाद मानती हूँ और इनका हर लम्हे बाद गुस्सा होता है। गुस्सा होता है हर लम्हे, फौरन फौरन निकाल अगले लम्हे खत्म भी हो जाता है। लेकिन उसमें ये बहुत बर्दाश्त करती हैं, बहुत बोलती नहीं है, जवाब नहीं देती मुझे, हालांकि मुझे जवाब ऐसे ऐसे आते हैं ना कि नहीं, वैसे भी बड़िया ने जवाब नहीं देना। 10 साल का फर्क नहीं लग रहा, लग रहा है कि एक जैसे ही है, 32-32 साल। इसलिए कह रहा हूँ कि एक जैसे। क्या बात है, बात पाकिस्तानी बत्ती है, सिर्फ 5 मिनट वास्ते आंदी। अच्छा हुण ना वो हरकतां करी, मैं तां कोई चुक छुक पै जाए, अल्लाह ना करे तुहाडा गोडा निकल गया तो वैगन दा पौणा पै जाएगा, और अगर उनका निकल गया तो ट्राले का लगाना पड़ेगा। आज का मोला जट जानलेवा साबित होने लगा था। कुछ खूबसूरत लड़की तस्वीर बनवाने आई है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ बस। मौलिया क्या करता है? सेल्फी लेने की कोशिश की थी है मुटियारे। और सेल्फी ले तू तो जान लेने लगे ऐसे। साडे मुल्क दे सुपरस्टार आए ने, इना दिया सेल्फिया नहीं लेनिया ते होर मैं इना कोलो केड़ा 10-10 भी लेने। 10-10 भी देंगे, जाके बाथरूम दे बाहर बैठ। ओए मेरा एनआरओ करवा दे। ओए जे तू एनआरओ ही करना सी ते एना आकड़ना क्यों सा? तमीज नहीं तेन औरत नाल किवें गल करदी है? हाथ चुकेगा ते मैं तेरा मोबाइल चुकांगा। जे है चुकन वाला तो चुक। बकवास है, इसी तरह हाथों च हाथ पाए, हाथों च हाथी पाने। बकरे का सदका दें, आप लोगों का मौला बच गया। बकरे का की देना है, इन्हू आप ही सदका कर दे। रोज आके हमें कहता है ये, मौले नु मौला नहीं मारे तो मौला नहीं मरता। मौला कितना बताएगा, रात को अब तुम्हारा अंग अंग दुखेगा। ऐ ते रोला जट्टी है, असल ओ है मौला जट। मेरा इन्ना रो करा दे। मैं तो कपड़े ठीक कर रहा हूं। तू मेरा धोखा कराया मुटियारे, 2 घंटे तो कह रही सी कॉमेडियन हीरो है, एक्शन हीरो है। ए अफजल खान है, अफजल खान है कूड़े मैं तो सही रही। बहुत होशियार बन रहा है ना। आहो अचल मेरे सवाल का जवाब दे, तेरे पास 2 रोटियां हैं, अब तूने दोनों की दोनों खा ली तो तेरे पास बचा क्या? सालन ते रोटियां किदे नाल खा दिया नहीं है। रोटियां और लेडीज ना गल हो रही, बाजी नु भेजो मैं उन्हें दस तुसी खोते वाली फिल्म करके मेनू ही फड़ ले आ।
ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਓਏ ਨਾ ਕਰਾ ਮੇਰਾ ਐ ਨਾਰੋ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਲਾਡਲਾ ਨੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਓ ਹਈ ਭਰੀ ਜਾਓ ਲਵੋ ਮਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੀ ਔਰ ਘਰ ਮੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 150 ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਧਰੇ 100-150 ਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤਰਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ 'ਚੋਂ ਵਾ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਮੋਲਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਓ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ ब्रेक के बाद मिलते हैं आप देख रहे तारों से करें बातें।